आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। दिल्ली पुलिस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को मिली एक बड़ी कामयाबी। थाना हिंदूराव ने चंद घंटों में सुलझाया लूट का एक बड़ा मामला। करोलबाग के एक मोबाइल एक्सेसरीज के मालिक प्रताप सिंह ने 10 जनवरी को अपने यहां काम करने वाले दो कर्मचारियों दीपक और राहुल को चांदनी चौक के फतेहपुरी से 17,71,000 रुपए की पेमेंट की कलेक्शन के लिए भेजा था और जैसे ही दोनों पेमेंट कलेक्ट करके करोलबाग की DCM बिल्डिंग के पास पहुंचे, वैसे ही दो स्कूटी सवार व्यक्तियों ने उनके ऑटो को रोक लिया और कलेक्ट की हुई पेमेंट के साथ साथ दोनों के मोबाइल फ़ोन लेकर रफू चक्कर हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाड़ा हिंदूराव थाने में हड़कंप सा मच गया और थाने ने इसकी जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच टीम ने मोबाइल एक्सेसरीज के दोनों कर्मचारियों दीपक और राहुल समेत ऑटो चालक किशन से एक साथ और अलग अलग गहन पूछताछ की। जब तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई तो वारदात को लेकर तीनों के बयान पुलिस को बिल्कुल उलट पलट मिले और मोबाइल एक्सेसरीज में काम करने वाले एक कर्मचारी दीपक ने नकली लूट का कबूलनामा पुलिस के सामने कबूल लिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और उन्होंने ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी और दीपक समेत राहुल, किशोर व दो अन्य आरोपी सत्यनारायण व संजय को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनसे लूट की बकाया राशि 16,80,000 रुपये की राशि समेत ऑटो, स्कूटी और एक मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया है। इन्होंने इनके दो लड़के जिनमें से एक का नाम है राहुल और एक का नाम है दीपक, इन लड़कों को कलेक्शन लेने लौरी गेट थाना है वहां के दो तीन इलाके हैं वहां से भेजा। उसी शाम को तकरीबन 7 बजे के करीब इन लोगों ने वहां SPM मार्ग है वहां से एक ऑटो किया। वो ऑटो रास्ता जब करोलबाग का आता है तो रास्ते में एक DCM फैक्ट्री है जो किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास है, वहां सुनसान रोड पे उनका जो ऑटो था उसको एक स्कूटी ने इंटरसेप्ट किया। इस स्कूटी पे दो लड़के थे, कंप्लेनेंट और ऑटो वाले के मुताबिक ये इन्होंने इनको ड्रा दबका के इनसे 17,71,000 की जो पेमेंट लेकर आए थे वो इनसे छीन ली, रॉब कर ली। हमने तुरंत अपनी टीमें लगाई, टेक्निकल सर्वेलेंस माउंट करने की पूरा लगे रहे। इसी बीच जब हम सस्टेंड इंटरोगेशन में गए तो जो ये लड़के थे दोनों और ये साथ में जो इनका ड्राइवर भी है, इन तीनों का जब इंटरोगेट किया इनको अलग अलग से तो ये इनकी बातों में कुछ ना कुछ अलग अलग वर्जन आ रहे थे। ज्यादा इनको थॉरली इंटरोगेट किया तो ये ब्रेक हो गए और ये जो लड़का है दीप चंद एलियस दीपक, इसने सबसे पहले बताया कि उसने ये कॉन्स्पिरेसी हैच की थी। उसके दोस्त हैं संजय और एक लड़का और है किशोर, ये सुल्तानपुरी के रहने वाले हैं तीनों। ऑटो वाला भी सुल्तानपुरी से है, वो भी इनके साथ था। और जो पांचवा लड़का जो कि इनके साथ कलेक्शन में दीपक के साथ था राहुल, वो भी इन्वॉल्व है। तो पांचों को हमने अगले दिन विदिन 24 आवर्स अरेस्ट किया है थाना बाड़ा हिंदूराव और हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम ने मिलकर एक ज्वाइंट टीम थी उससे। और इसमें हमारी जो रिकवरी है 16,80,000 की रिकवरी भी इसमें मिली है, वो TSR जो कमीशन ऑफ क्राइम में यूज हुई है और एक स्कूटी जो हुई है, ये सब हमने बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।